द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वॉर, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफ़ेक्ट्स पड़ा, इसके बारे में इस टॉपिक में दिया गया। जैसे कि वॉर का जो है वो साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरह का इफ़ेक्ट्स जो है वो यूरोप पर देखने को मिलता है। यूरोप जो एक कर्ज देने वाला देश था, वह युद्ध के बाद एक कर्जदारों का देश जो है वो बन गया। दूसरी बात यह थी कि जो न्यू वाइमर रिपब्लिक बनी थी, इस न्यू वाइमर रिपब्लिक पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था और इस न्यू वाइमर रिपब्लिक को पुराने एम्पायर के द्वारा किए गए अपराधों का जो है वो सज़ा भुगतना पड़ रहा था, यानी इसे पुराने एम्पायर के द्वारा किए गए दोषों के लिए कंपनसेशन या कर्ज जो है वो चुकाना पड़ रहा था। दूसरी तरफ वाइमर रिपब्लिक के जो सपोर्टर्स थे, जिसमें सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स थे, इन्हें जो है वो इजीली टारगेट किया जाने लगा। किसके द्वारा? तो जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट थे, इनके द्वारा जो है वो इन्हें नवंबर क्रिमिनल्स के तौर पर भी बोला जाने लगा। 1930s के पहुँचते पहुँचते कई तरह के इकोनॉमिकल क्राइसिस भी जो है वो जर्मनी और यूरोप के क्षेत्रों में देखने को मिल रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद एक गहरा असर जो है वो यूरोप के डिफरेंट सोसाइटीज़ पे और पॉलिटिक्स पे पड़ा था, जिसमें सोल्जर्स के लिए काफ़ी बेहतर सिविलाइज्ड जो है वो लाइफ की बात कही जाती थी पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, लेकिन रियलिटी ये थी कि सोल्जर्स बहुत बुरी लाइफ जी रहे थे, क्योंकि पर डे अपने सैनिकों को, अपने दोस्तों को मरते हुए सामने देखते थे। इनके रहने के जो निवास स्थान थे, इनके ट्रेंस जो थे बहुत बदतर थे, कई तरह की समस्याएं वहां पर थी, उन्हें कोई बेहतर सुविधाएं नहीं दी जाती थी और उस अनफेवरेबल कंडीशंस में इन्हें युद्ध लड़ना पड़ता था। इस तरह की समस्याएं जो है यूरोप में वॉर के बाद जो है वो वॉर के दौरान देखने को मिली। दूसरी तरफ जो है वो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस का भी जो है वो असर देखने को मिलता है। 1930s तक पूरे वर्ल्ड में जो है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस आई और इस इकोनॉमिकल क्राइसिस का बहुत बड़ा असर पड़ा। जैसे कि वाइमर रिपब्लिक की स्थिति यानी जर्मनी की स्थिति और ख़राब होती चली गई। जब 1917 में रसिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो रहा था, उसी रिवॉल्यूशंस के दौरान जर्मनी में भी जो है वो सेपरेटिस्ट जो थे वह कई तरह के सोवियत वर्कर्स को यूनाइट कर अपने लिए कई तरह के डिमांड्स जो है और कई तरह के चेंजेस, बदलावों की बात जो है वो कर रहे थे, लेकिन आर्थिक कंडीशंस जो है वो जर्मनी का और बदतर होता जा रहा था। 1923 तक पहुंचते पहुंचते जर्मनी की कंडीशन इतनी बदतर हो गई थी कि जर्मनी में सभी चीज़ों के खाने पीने वाली या हर तरह की चीज़ों के दाम जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। जर्मनी ऐसे सिचुएशन में जो है वो वॉर के द्वारा किए गए कर्जों को चुका पाने में असफल था, इसीलिए जर्मनी ने जो है वो 1923 में रिफ्यूज़ कर दिया कि उसके द्वारा जो कंपनसेशन पे करना है वो पे नहीं कर पाएगा। जर्मनी के मना करने के कारण ही फ्रांस जो है वो उसके कई तरह के क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है कि अगर तुम वार का पैसा नहीं रिटर्न करोगे, इस वजह से जो है वो तुम्हारे कुछ क्षेत्रों पर फ्रांस का कब्जा हो जाएगा। इस स्थिति से निपटने के लिए जर्मनी ने और भी कई तरह के उपाय किए, जैसे कि अपने कंट्री में अंधाधुंध जो है वो पैसा छाप दिया, यानी बिना सोचे समझे जो है वो पैसे छापने का रिजल्ट यह हुआ कि यूएस डॉलर की तुलना में जर्मनी के मार्क्स की वैल्यू जो है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली गई। जैसे कि जुलाई मंथ में एक यूएस डॉलर जो है वो तकरीबन 353,000 जो है वो जर्मन मार्क्स के बराबर था। अगस्त के महीने में ये तकरीबन जो है वो 4,62,001,000 जो है वो मार्क के बराबर हो गया और यहीं जो है वो दिसंबर का महीना पहुंचते पहुंचते जो है वो तकरीबन 9,88,60,000 यूएस एक डॉलर और जर्मनी के इतने पैसे एक बराबर हो गए। तो इससे यह साफ पता चलता है कि जर्मनी की करेंसी जो है वो दिन प्रतिदिन घटते जा रही थी और दूसरी तरफ जो है वो कई तरह की समस्याएं जो है वो लोगों के सामने आ रही थी, जैसे कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, खाने पीने वाली चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, कंडीशंस इतने बुरे हो गए थे कि जर्मनी में तकरीबन जो है वो बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो बेरोजगार हो गए थे। तकरीबन
60 लाख से भी ज़्यादा मजदूर जो है वो जिन्हें कोई भी नौकरी नहीं थी, और ऐसे सिचुएशन में कंडीशन इतने बदतर हो गए थे कि सामान्यतः लोग अपने गले में एक तख्ती लटकाकर उस तख्ती पे जो है वो लिखा हुआ होता था कि आई कैन डू एनी वर्क, यानी वो किसी भी तरह के काम करने को रेडी हैं बशर्ते उन्हें पैसा मिले। कंडीशन इतने बदतर हो गए थे कि लोगों को जो है वो बोरों में भर कर पैसा ले जाना पड़ता था, तो एक वक्त और दो वक्त का भोजन मिलता था। यह इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान जर्मनी में इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं।